बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 7 से 8 साल की बच्ची की फ्रॉक बना कर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने एक ड्रेस स्टिच किया था, उसमें से ये पीस बच गए थे कुछ इस तरह के। ये लेस लगाऊंगी इसके गले के ऊपर। ये कमीज़ में से बचा हुआ पीस है, ये 3 तह में फोल्ड है। इस तरह से अब इसे दोनों साइड से कटाई कर लूँगी। ये पीस है ट्रोज़र में से बचे हुए, अब इसको यहाँ से कटाई करूँगी इस तरह। ये 4 पीस हैं ऊपर वाले, ट्रोज़र की लंबाई में से भी बचा हुआ पीस एक साथ ही मैंने कटाई कर लिया था, वो मैंने उतार लिया। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 5 इंच है। अब इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करूंगी और इसका पेटी के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल लूँगी। इसकी लंबाई 26 इंच मैंने ली है। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 10.5 इंच है। अब मैंने पीस अलहदा कर लिए हैं इस तरह से। अब इसे सीधा करते हुए 4 तह में फोल्ड करूंगी। ये बैक और फ्रंट साइड के पीस बनेंगे इस तरह से। ये बॉर्डर भी इसकी साइड पे लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे निशान लगा लूँगी इसकी गुलाई ख़त्म करने के लिए। इस तरह से तिरछा अगर पीस लगाएं तो नीचे से गुलाई भी नहीं करना पड़ती और लंबाई भी पूरी हो जाती है। इस साइड से थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरह से लगाने से बहुत ही प्यारी फ्रॉक की नीचे से लुक आती है। अब इस पीस को मैं 7 इंच पे निशान लगाते हुए कटाई कर लूँगी इस तरह से। ये वाला पीस जो है ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊँगी। ये वाला पीस जो है यहाँ पे लगाऊँगी साइड पे। तीरे का निशान मैंने 6 इंच पे लगाना है, 6 इंच ही कंधे की लंबाई रखनी है। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर लूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी। नीचे से भी यहाँ से थोड़ी सी अदेब इसको मैंने दे दी है। पहले मैं ऊपर से कटाई करूँगी, बाद में ये वाला पीस जो है इसे अलहदा कर लूँगी। ये 2 पीस बनेंगे, दोनों साइड पे लगेंगे। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊँगी इस तरह से, थोड़ी सी फिटिंग का 7.5 इंच यहाँ से मैंने इसकी फ़िटिंग रखनी है इस तरह से, और इसकी कटाई कर दूंगी। यहाँ से इस तरह से जुड़ेगी। अब नीचे से भी इसकी इस तरह से गुलाई कर दूंगी। अब इसकी 30 इंच लंबाई बनी है। यहाँ से भी मैंने इस 4 पीस अलहदा कर दिए हैं। अब बाल तैयार कर लूँगी इस कपड़े से इस तरह से। इसे 4 तह में फोल्ड करते हुए अजाफी पीस कटाई कर दूँगी। बाजू भी इसके माशाल्लाह बहुत ही खुले और प्यारे बन जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से तिरछा रख के इसकी गुलाई ख़त्म करूँगी। इस तरह से इसके ऊपर इसे रखूंगी और इस कपड़े की भी गुलाई ख़त्म करूंगी और लंबाई इस कपड़े के मुताबिक लेते हुए कटाई कर लूंगी। 10 इंच इस कपड़े की लंबाई है इस तरह से।
अब इसे कटाई कर दूंगी। यहाँ पे 6 इंच इसकी चौड़ाई लेते हुए नाप ले लिया मैंने। 3.5 इंच पे कंधे की गुलाई दूंगी इस तरह से रखते हुए। और इसकी कटाई कर दूंगी। यहाँ पे इस तरह से इसे अटैच करूँगी दोनों साइड पे। और यहाँ पे ये वाले पीस जो है इस तरह से रखते हुए जोड़ लूँगी। ये पीस जोड़ने के बाद इसके ऊपर वाला पीस जोड़ लूँगी इस तरह से रखते हुए। और बाकी के पीस भी आपस में जोड़ लूँगी बाजू वाले। ये मैंने सारे पीस आपस में अटैच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से बराबर रखते हुए नीचे से इसकी थोड़ी थोड़ी सी कटाई कर दूँगी इस तरह से। ऊपर से भी इसे इस तरह से बराबर रखते हुए कंधे की भी थोड़ी सी तिरछी कटाई कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ से भी इसका थोड़ा सा कपड़ा जो अजाफी निकला था उसे कटाई कर दी है। अब गले का नाप लूँगी। बैक साइड का गला जो है पहले कटाई कर लूँगी। 1.5 इंच इसकी लंबाई ली है, 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा इसकी चौड़ाई ली है, इसको मैंने कटाई कर दी है। फ्रंट साइड भी मैं बुकरम के साथ गला तैयार करूँगी। इसकी भी 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा चौड़ाई ली है और 2.5 इंच लंबाई। इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी पहले। और यहाँ पे 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए ये निशान मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर दूंगी। और इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर लूँगी और फ्रॉक के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा के इसे जोड़ लूँगी। ये मैंने जोड़ लिया है। इसके नीचे मैंने डोरी भी रख ली थी जो नोक वाली जगह है वहाँ पे रखते हुए पहले मैंने डोरी के ऊपर सिलाई लगाई थी, बाद में इसको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दी थी। अब इसे कटाई करने के बाद सीधा कर लूँगी। यहाँ पर नोक के ऊपर इस तरह से कट लगा दूँगी। गुलाई में भी छोटे छोटे कट मैंने लगा दिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब सीधा करने के बाद इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई के साथ साथ मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है और एक पीस जो है यहाँ पे लगाऊँगी लेस का इस तरह से रखते हुए। दरमियान में यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए और उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और बाजू जोड़ लूँगी। माशाल्लाह फ्रॉक बन के तैयार है। यहाँ पे गले के ऊपर मैंने जो डोरी लगाई थी उसे इस तरह से ऊपर बांध दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक बनी है। आपको आइडिया कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाजू भी इसके यहाँ से खुले बन गए हैं, यहाँ पे आप चोट्स भी डाल सकते हैं। इसके साइड पे जो बॉर्डर बचा था वो लगने से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा।
ये इसकी बैक साइड है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता कर, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।